गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। किस क्लास का? नाइन्थ क्लास का। ठीक है, मतलब नाइन्थ क्लास के मैथ के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि आपसे क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चन तक आपने कैसे पहुंचना है वो आपसे हम पूछते हैं पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन तक कैसे पहुंचना है वैसे तो आप सभी बच्चों को पता है, पर एक बार फिर से हम उसको जो है यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको जो है नंबर वन वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, वहां पर आपको ऐसे थ्री डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जब आप इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का अपनी स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। उन ऑप्शन में से आपने बच्चों एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वन पोल एक्टिव ऐसा आपको जो है वो नजर आएगा। अभी आपको बच्चों ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे चार ऑप्शंस नजर आएंगे। इन चार ऑप्शन में से जो आपका आपको लगेगा कि ये ऑप्शन मेरा ठीक है, यही जो है राइट आंसर है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा और फिर आप जो है वोट पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप जो है अपने ऑप्शन पे क्लिक करते हैं लेकिन आप वोट पर क्लिक नहीं कर पाते हैं तो बच्चों आपका जो आंसर है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आप सभी ने वोट पर जरूर क्लिक करना है। चलिए, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें हमने जो है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं, जोड़ और घटाव भी हम लगभग लगभग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और भाग हमने अभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अभी आपको जो है क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा जिसका आंसर आपने कहां देना है, पोल सेक्शन में। पर उससे पहले हम जो है एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता था। मैं आपको यहां से एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, फिर नेक्स्ट जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। तो सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे और जो है ध्यान से क्वेश्चन को समझे। तो बच्चों आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन अपनी मतलब आपको देखने को मिल सकता है। मान लीजिए एक डिजिट लिखा मैंने यहाँ पर नंबर 60 प्लस माइनस 30। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर भी मैं माइनस का साइन लगा लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि प्लस और माइनस का जो निशान है या जो दो साइन है वो एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है, अगर दो साइन एक साथ दिख रहे हैं तो उसको एक साइन में कन्वर्ट कीजिए। चलिए करते हैं, -60 का -60 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस लिख दिया हमने। बेटा कोई बच्चा हैंड रेज कर रहा है बार बार, बेटा ऐसा नहीं करना है, इससे भी क्लास में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, चलिए ये 60 है, प्लस माइनस होता है माइनस, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन हैं। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हमेशा हम माइनस का साइन जो है वो दोनों मिलकर बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 30 का 30। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सी ऑपरेशन होगी, तो ये क्या होंगे, ये ऑपरेशन क्या होगी, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं उनके साइन कैसे हैं। अगर उनके साइन सेम है तो हमेशा ऐड होता है, साइन डिफरेंट है तो हमेशा क्या होता है, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि साइन दोनों के सेम है, दोनों के पास ही माइनस है, तो मतलब मेरे दोनों डिजिट आपस में, दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, ऐड होंगे, तो चलिए ऐड करते हैं। 60 में 30 ऐड कीजिए, कितना आया, 90। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है वो मेरा आंसर कंप्लीट नहीं है। आंसर कंप्लीट कब होगा, जब मैं बताऊंगी कि मेरा 90 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस वाले स्टेप में बड़ा कौन है नंबर जो ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट कौन है, 60 है। 60 के पास साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो आंसर का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आंसर का साइन इक्वल्स टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, इसलिए मेरे पास जो आंसर आया वो आया मेरा -90। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको जो क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड आपको जो है कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आपने कहाँ करना है उसे, पोल सेक्शन में। ठीक है, तो अभी जो है आपको क्वेश्चन नजर आएगा, उससे पहले मैं आपका जो है चैट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ। अच्छा, कोई बच्चा जो नया जुड़ा है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप नए ज्वाइन हुए हो तो आप जरूर पूछिए आपका कोई डाउट है तो, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, देखिए यहाँ पर स्टेप्स हमने बिल्कुल सिंपल कर लिए। यहाँ पर ये था 60 प्लस माइनस 30, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस लिख दिया, दोनों नेगेटिव थे तो ऐड कर लिया, ऐड करके अपना आंसर लिख लिया, उसके बाद साइन देख लिया, साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 60 बड़ा था, बड़े के पास जो साइन है आंसर के पास भी वही साइन आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए
तो अभी के लिए आपको मैंने चैट सेक्शन जो है वो ऑफ कर दिया है, और आपको जो है अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आएगा, पहले मैं उसे पढ़ूंगी अच्छे से, आपको समझाऊंगी कि करना क्या है, उसके बाद आप उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको पोल सेक्शन नजर आएगा, ठीक है? उससे पहले आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर नहीं आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ध्यान से बिल्कुल आपने करना है। -7562 7562 को प्लस कीजिए माइनस के 3124 से। सभी बच्चे अपनी कॉपी पर इसे पहले सॉल्व करेंगे अच्छे से, 10 सेकंड बाद आपको जो है पोल सेक्शन नजर आना शुरू हो जाएगा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया है, आप आराम से इसे सॉल्व कीजिए। और बच्चों सॉल्व करने के बाद अपना साइन भी आपने डिसाइड करना है कि कौन सा साइन हमारे आंसर में आएगा, ठीक है? चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो बच्चे जाएं और अपना आंसर दें जरूर, ठीक है? जिन बच्चों को सॉल्व नहीं हुआ है वो बच्चे आराम से इसे सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, आंसर का साइन डिसाइड कीजिए कौन सा साइन आएगा, फिर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर याद कीजिए, फिर पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है? मेरे पास अभी जो है 14 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 17 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। 18 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, सभी बच्चे ट्राई कीजिए, वेरी गुड। 19 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 20 स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अभी जो है क्लास में 35 से ऊपर बच्चे हैं, मतलब कि 35 से ज्यादा बच्चे हैं, और आंसर अभी तक सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का आया है। 30 से ऊपर तो है ही, है ना? 35 ना भी हो तो 30 से ऊपर तो बच्चे हैं ही यहाँ पर क्लास में। तो 22 23 स्टूडेंट्स का मेरे पास आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए, वेरी गुड, कोशिश कीजिए। अगर आप क्लास में नए हैं तो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अच्छे से कोशिश कीजिए, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा इस क्वेश्चन के बाद, है ना? चलिए सभी बच्चे ट्राई कीजिए, 23 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें और अपना आंसर दें। 24 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। जो स्टूडेंट मैम पढ़ाते हो, हाँ जी, जो बच्चे भी नए ज्वाइन हुए उन्हें मैं बता दूं कि आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, उसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपने अपना आंसर पोल सेक्शन में देना है। 24 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब जो हूँ मैं 10 सेकंड का वेट करूंगी, उसके बाद जो है आपका पोल सेक्शन एंड हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को 10 सेकंड से ज्यादा टाइम चाहिए होगा तो माइक ऑन करके प्लीज आप बोल दीजिएगा, पर क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2। मैम एक सेकंड रुकिए, ठीक है, ठीक है, रुकते हैं हम थोड़ी देर, चलिए थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं, फिर हम क्लास को, सॉरी, पोल सेक्शन को एंड कर देंगे। बेटा अगर आपका हो जाएगा तो आप जो है माइक ऑन करके बता दीजिएगा, ठीक है? 28 स्टूडेंट्स के मेरे पास जो है वो आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सॉरी मैम मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, आप कीजिए आराम से। मैम हो गया, माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए तो 10 सेकंड का हम और वेट करते हैं, फिर हम जो है पोल को एंड कर देंगे, क्योंकि आज आपके साथ सामने जो है बहुत सारे क्वेश्चन है पोल सेक्शन के, ठीक है? चलिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जी आपका पोल जो है वो एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है, तो आप अपना आंसर जो है चैट सेक्शन में भी दे सकते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं साथ साथ में, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना स्टेप नंबर 1 लगाएंगे, हम देखेंगे कि दो साइन एक साथ हैं, इनको हमने 1 साइन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं, इसको हम ऐसे कैसा लिखेंगे,
7562 को हम ऐसे कैसा लिखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस होता है माइनस, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन है, अलग अलग है तो माइनस आएगा, फिर 3124। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी ने कर लिया होगा अच्छे से, है ना। फिर हम देखेंगे कि इनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जमा करें या माइनस कर दें। तो हम देखते हैं यहाँ पर साइन कैसे हैं। तो बच्चों साइन कैसे हैं, एकदम सेम है, ये भी नेगेटिव, साइन सेम है। तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए प्लस कीजिए मेरे साथ, 3124। ठीक है, 4+2 कितना होता है 6, 6+2 कितना होता है 8, 5+1 कितना होता है 6, और 7+3 कितना होता है बच्चों 10। तो ये आया हमारे पास 10,686। ठीक है, मैंने इसे ऐड किया तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरह का आया। लेकिन क्या मेरा आंसर कंप्लीट है? नहीं, मेरा आंसर कंप्लीट नहीं है। मुझे अभी डिसाइड करना है कि इसका साइन कौन सा होगा, और हमें पता है कि आंसर का साइन ऑलवेज इक्वल्स टू साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटर नंबर यहाँ पर कौन है? तो वो है 7562। इसका साइन कौन सा है? साइन है नेगेटिव, तो आंसर में भी साइन नेगेटिव ही आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह का है, और ये ऑप्शन नंबर बी है जो हमें बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 30 में से जो है वो 28 स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन पे जो है वो अपना आंसर करेक्ट बताया था। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम आगे क्या होगा। देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑफ रखिए अपना। आपको पिछली क्लास में भी समझाया गया था कि आपकी क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, अगर आप बार बार ऐसी हरकत करेंगे तो आपके प्रिंसिपल तक जो है ये बात जरूर जाएगी। ठीक है, माइक ऑफ रखिए बेटा अपना। जो सैनी सैनी जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपका माइक ऑन है, उसे ऑफ कर दीजिए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले क्या है, मैं आपको सभी बच्चों को बता देती हूँ कि किस किस बच्चे ने जो होमवर्क किया था। ठीक है, उनका मैं एक बार नाम ले लेती हूँ फटाफट से, फिर हम क्लास को आगे जो है वो बढ़ाते हैं। तो मेरे पास अभी दो स्कूल है बच्चों, एक है अटेली और एक है बादशाहपुर। ठीक है, जो बादशाहपुर है वो गर्ल्स स्कूल है, और जो अटेली है वो कोएड है, मतलब दोनों उसमें है। तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अटेली के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से जिस जिसने होमवर्क किया है वो है वंदना जानगिद, नैना, नैन्सी, राधिका, एक और नाम से वंदना, वंशिका, पायल, नेहा सिंघविया, ठीक है, ललित, नमन, अनूप, पारस, युवराज, प्रणव, विनय, दिव्यम और मोहित। तो लगभग लगभग जो है ये 14-15-16 बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क किया है। वेरी गुड बच्चों, और बादशाहपुर से जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो है रूपा, लखीप्रिया, सलोनी, साक्षी, निशा, शुभ लक्ष्मी, भावना, जिया, ज्योति तनवर, एक और नाम से है खुशी, अंजलि पवार, मीनाक्षी कुमारी और हिमांशी। ठीक है, इन सब ने जो है वो होमवर्क किया है। हाँ नैन्सी, आपका नाम मैंने पहले वाले जो है अटेली वाले स्कूल में ले लिया है। ठीक है, चलिए तो आप सभी बच्चों को वेरी गुड। आप सभी बच्चे इसी तरह से मेहनत करते रहिए, होमवर्क करते रहिए, क्लास को अच्छे से अटेंड करते रहिए। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत बढ़िया। चलिए तो बच्चों, सॉरी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन जो है अभी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा, तो आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद जो है क्या करेंगे, पोल सेक्शन आपको नजर आएगा, फिर आपने जो है अपना आंसर वहां देना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 110 को यहाँ पर प्लस करना है माइनस के 100 से। सभी बच्चे क्या कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए अच्छे से अपनी नोटबुक में, 10 सेकंड बाद आपको जो है वो पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए तो आपका पोल जो है वो लॉन्च हो चुका है बच्चों, तो आप क्या कीजिए, जिन बच्चों का
सॉल्यूशन निकलता जा रहा है वो बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। बच्चों साइन का ध्यान रखना है, अपने आंसर का भी ध्यान रखना है, ठीक है, लापरवाही में और जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ठीक है, 17 स्टूडेंट्स के मेरे पास वोट सॉरी आंसर आ चुके हैं, 18 स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं। कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ बच्चे साइन में गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशन में गड़बड़ी कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से आप कीजिए, ठीक है। 25 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, ट्वेंटी नाइन स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 30। चलिए तो 10 सेकेंड हम और वेट कर लेते हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आपका पोल जो है वो एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है, तो आप अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर जो है वो गलत किया है, तो बच्चों आप अपना आंसर जो है ध्यान से कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर क्या दिया है, गलत दिया है, काफी बच्चों ने सही भी दिया है, तो आप सभी बच्चों को वेरी गुड। और जिन बच्चों ने गलत दिया है वो जरूर इसे ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टेप नंबर 1 कहता है कि अगर दो साइन एक साथ है तो उसका एक साइन बनाइए, चलिए बनाते हैं। ये था हमारा 110 और प्लस माइनस होता है माइनस, और ये है हमारा 100, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या करना है, क्यों, क्योंकि सिंपल है, ये एक हमारा नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है, पहले वाले में से दूसरे वाला को माइनस करना है। 110 में से अगर हम 100 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 1 का 1 और यहाँ पर क्रॉस, मतलब 10, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, 10 है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर था। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे ही जो है अपना आंसर दिया है करेक्ट आंसर, तो वेरी गुड, आप सभी बच्चों को शाबाश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं, तो सी इसका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप प्लीज अपना डाउट पूछिए, पर आप पोल सेक्शन में जो है वो कोशिश कीजिए कि आप राइट आंसर ही जो है वो दे पाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आपके लिए और क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आपने कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है, तो आपका चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम बच्चों फटाफट से, ये है आपका -118 -90, ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। भावना को समझ नहीं आया क्या बेटा, आपको समझ नहीं आया, आप पूछ सकते हो मैम, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन कराया है, ठीक है बेटा, मैं उसको आपको जरूर बताऊंगी। अभी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। चलिए 10 सेकंड वेट करते हैं, फिर आपको पोल सेक्शन नजर आ जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए जिन बच्चों का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा वो बच्चे अपना आंसर देते जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे जाएं और पोल सेक्शन में अपना आंसर दें, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। तो ये बच्चे इसे सॉल्व करें, उसके बाद देखें कि आंसर क्या आएगा, ऑपरेशन कौन सी हम इसमें लगाएंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, और प्लस माइनस करने के बाद आंसर क्या आएगा और साइन कौन सा आएगा। बस दो तीन चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी होती हैं, ठीक है, बाकी तो आपको सबको अच्छे से आ ही गया है ना। जो बच्चे आज क्लास में नए ज्वाइन हुए हैं उनको कोई डाउट है तो बच्चों आपने पूछना है, और आप जो है पीछे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी जरूर देखें, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पर गलत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो आज पहली बार क्लास में आए हैं शायद वो क्वेश्चंस गलत कर रहे होंगे, है ना। ऐसा जरूरी भी नहीं है पर कि वही बच्चे हो, क्या पता कोई रेगुलर आता हो उससे भी गलत क्वेश्चन हो रहे हो, है ना, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर गलत कब होता है, जब हमें डाउट होता है और हम पूछते नहीं है, तो आपने जरूर पूछना है, जैसे भावना ने भी मुझसे पूछा है ना, तो मैं इन्हें अभी बताऊंगी, तो वैसे ही आप भी अपने सारे डाउट्स पूछ लीजिए। चलिए तो मेरे पास 27 स्टूडेंट्स के जो है वो आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए फटाफट से और जो है अपना अपना आंसर जरूर दीजिए, ठीक है बच्चों।
35 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, 35 अबव, पर फिर भी जो है अभी तक सिर्फ 28 स्टूडेंट्स का ही मेरे पास आंसर आया है। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। चलिए 29 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए 10 सेकंड का वेट करते हैं, उसके बाद जो है हम पोल को एंड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बेटा माइक ऑन कोई नहीं करेगा, आपको जो है स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था क्लास की कि आपने ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है जिससे क्लास में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हो, नहीं तो आपको क्लास से जो है वो रिमूव करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए पहले हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर भावना हम लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर ये था हमारे पास माइनस का 118। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे कैसा लिख दिया, यहाँ पर वही बात आ गई कि दो साइंस एक साथ आ गए तो इनका क्या बनेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों सेम साइन है और जब साइन सेम हो तो कौन सा साइन लगाते हैं हम, प्लस का, पॉजिटिव का। ठीक है, आपका शायद चैट सेक्शन ऑफ ही है, हाँ चैट सेक्शन मैंने आपका बच्चा ऑन कर दिया है, आप वहां पर अब अपने अपने आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका बन गया प्लस और ये आ गया हमारे पास 90। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग साइन है, साइन कैसे हैं, डिफरेंट हैं। साइन जब डिफरेंट होते हैं तो हमेशा हम उनको माइनस करते हैं, तो मतलब कि 118 में से 90 क्या होगा, माइनस होगा। तो चलिए माइनस करते हैं इसे, 8 का 8 और 11 में से 9 को अगर हम करेंगे माइनस तो 2। ठीक है, 2, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया बच्चों 28। लेकिन क्या मेरा आंसर ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक मेरा आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक मैं इसका साइन जो है वो अच्छे से ना बता दूं कि साइन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका साइन क्या होगा। साइन कौन सा होता है जो ग्रेटर या ग्रेटेस्ट नंबर का साइन होता है, तो यहाँ पर 118 जो है सबसे बड़ा नंबर है, इसका साइन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है तो आंसर का साइन भी क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव ही आएगा। तो मतलब इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। काफी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था, बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया था जो कि सही आंसर नहीं है। तो बच्चों अगर आपको समझ आ गया कि इसका सही आंसर 28 क्यों है, माइनस 28 क्यों है, तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो बच्चों अभी के अभी आप मुझसे पूछिए, क्योंकि अभी आपको और क्वेश्चंस भी जो है वो आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार हम क्या करते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फटाफट से, क्योंकि एक बच्चे का डाउट था उसको समझते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। हाँ, तो बेटा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 110 प्लस माइनस 100। ठीक है, तो 110 का मैंने 110 ऐसे कैसा उतार लिया, प्लस माइनस दो साइन थे, इसका एक साइन बनाना तो आ गया माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आता है हमेशा, है ना, प्लस माइनस माइनस और 100। अब 110 में से 100 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 10। कैसा 10, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बड़ा है 110 और 110 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए आंसर का साइन भी कैसा आया बच्चों, पॉजिटिव ही आया। ठीक है भावना, आपको अगर आपका डाउट क्लियर हो चुका है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपका डाउट होगा तो आप दोबारा मुझसे जो है बाद में भी पूछ सकती है। ठीक है, चलिए सही आंसर था बच्चों ऑप्शन नंबर बी, माइनस का 28। बच्चों कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि अभी आपको जो है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में मिलने वाला है। उम्मीद है कि आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे और उसका आंसर जो है अच्छे से देंगे। चैट सेक्शन मैंने आपको ऑफ कर दिया है, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, देखेंगे और उसके बाद आपको चैट सेक्शन भी नजर आ जाएगा। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 माइनस 150, इसे आपने सॉल्व करना है अपनी अपनी नोटबुक में। साइन का बच्चों आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, अभी 10 सेकंड में आपका पोल जो है आपको नजर आने शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आपका पोल जो है वो बच्चों लॉन्च हो चुका है, आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा अपने अपनी स्क्रीन पर। आपने क्या करना है, अच्छे से आंसर देना है बच्चों, साइन का ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए कौन बड़ा है, किसके पास कैसा साइन है, क्या आंसर में आएगा। ठीक है, काफी बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शायद साइन को अनदेखा कर रहे हैं, वो बच्चों साइन को आप ध्यान से देखिए।
सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही अपना आंसर देंगे, ठीक है? कुछ बच्चे शायद बिना सॉल्व किए अपना आंसर दे रहे हैं, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप इसे प्रॉपर अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए, ठीक है? और उसके बाद ही जो है अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दीजिए। 28 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इसको आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करना है अच्छे से, और इसका आंसर आपने कहां देना है, पोल सेक्शन में आपने इसका आंसर देना है, ठीक है? चलिए तो हम 10 सेकेंड और वेट कर लेंगे, करते हैं, उसके बाद जो है हम पोल को एंड कर देंगे, ठीक है? चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। पोल आपको बच्चों एंड हो चुका है, चैट सेक्शन आपका जो है वो ओपन हो चुका है, तो आप अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, तो जो सैनी सैनी जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई है क्लास में, वो अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। यस मैम। हाँ बेटा, मुझे बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा? मैम इसका सोल्यूशन -30 आएगा, ठीक है? पर इसका आप पूरा आप रीजन बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने यहाँ पर 30 क्यों लिखा, आपको कैसे पता लगा 30 आया और माइनस का 30 आया, इसका अगर आप पूरा रीजन बताएं तो बहुत अच्छा होगा। मैम पहले हमने वो 120 को 150 से माइनस किया, वेरी गुड, 30 आ गया, वेरी गुड। फिर हमने साइन लगाया, साइन हमने बेटा नेगेटिव ही क्यों लगाया, हमने यहाँ पर पॉजिटिव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैम वो नेगेटिव, मैम 150 बड़ा है तो मैम 150 का साइन माइनस है ना, इसलिए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, आप जो है माइक ऑफ कर सकते हो। थैंक यू मैम। ओके बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया कि बच्चों हमने क्या करना था, यहाँ पर माइनस करना था, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। डिफरेंट हो तो क्या करते हैं हम, हमेशा हम जो है माइनस करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस किया तो अब 120 में से 150 तो माइनस होगा नहीं, ये तो सभी को पता है, तो हम किसको करेंगे, हम 150 से 120 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है? और फिर हम जो है 150 क्योंकि बड़ा है, ग्रेटर है, तो इसको हम देखेंगे, इसका हम साइन देखेंगे, नेगेटिव है तो आंसर में भी साइन क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। तो बहुत से बच्चों ने जो है सी को ही अपना करेक्ट आंसर चूज किया था, वेरी गुड बच्चों। एक बच्चे ने जो है ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया था, अब मुझे नहीं पता कि ऑप्शन नंबर ए उन्होंने क्यों सोचा, उन्होंने ऐसा उनके मन में आया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, शायद उन्होंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है? तो बच्चों यहां पर ऐड नहीं करना था, यहां पर हमने जो है माइनस करना था। कुछ बच्चों ने जो है डी पे टिक किया था, डी भी इसका गलत उत्तर है क्योंकि ए पॉजिटिव का 30 है और हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव का 30 है जो करेक्ट है, ठीक है? तो अगर आपको समझ आ गया कि किन की इसका क्यों है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो आप जो है वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो बच्चों आपने क्या करना है, मुझसे पूछना है, ठीक है बेटा? अगर गलती से हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो रत्नेश सिंह जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, शायद आज आप पहली बार क्लास में आए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि बच्चों हम जो है पिछली दो क्लासेस से इन क्वेश्चंस को हम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो टिक है सभी बच्चों का, मैक्सिमम आगे भी कुछ और पढ़ा दो अब, मैक्सिमम बच्चों का जो है यही ठीक था। बच्चों पहले आपको पोल सेक्शन के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना? चलिए, तो अभी आपको जो है एक और क्वेश्चन नजर आएगा अपनी स्क्रीन पर, उसका आंसर भी आपने कहां देना है, पोल सेक्शन में, तो मैंने आपका चैट सेक्शन बच्चों ऑफ कर दिया है। चलिए 3200 को माइनस कीजिए माइनस के 800 से। चलिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए, ठीक 10 सेकंड बाद आपको जो है वो पोल नजर आ जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए पहले इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, साइन भी देखिए कौन सा साइन आना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी आपको लगता है ठीक है उसे अच्छे से कीजिए और अपना आंसर दीजिए ठीक है। 9 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 स्टूडेंट्स के। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, कुछ ठीक भी कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से आपने सोच समझ कर इसे करना है ठीक है। 14, 16 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। सॉरी हाँ चलिए 25 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। 28 जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आपने उसे सॉल्व। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, जो आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपने उसको क्या करना है, देखना है, सॉल्व करना है और उसका आंसर पोल सेक्शन में देना है ठीक है। 28 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चों की कोशिश कीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, चलिए 10 सेकंड का हम वेट करेंगे फिर जो है पोल को हम एंड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो आपका पोल जो है वो एंड हो चुका है ठीक है बच्चों। चलिए आपका चैट सेक्शन ऑन हो गया है। जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा इस तरफ से कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है तो शायद आपकी तरफ से कोई इशू होगा। तो आपने बच्चों क्या करना है, क्लास को लेफ्ट करके जो है आपने रीजॉइन कर लेना है तो आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा ठीक है। चलिए तो काफी बच्चों के आंसर यहाँ पर आ रहे हैं, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे हम 3200 ठीक है, और यहाँ पर दो साइंस है एक साथ माइनस माइनस सेम है बेटा, यहाँ से कोई इशू नहीं है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से जो है वो ज्वाइन कर लीजिए ठीक है। चलिए इसको ऐसे कैसा लिख दिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है और ये है 800। तो चलिए 3200 में जो है वो 800 को हम प्लस कर देते हैं, प्लस कर दीजिए 0, 0, 8, 9, 10 और 3 + 1 कितना होता है 4। तो इसका आंसर कितना आया बच्चों 4000, और साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि ये इसमें बड़ा है और इसका साइन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब इसके पास जरूर प्लस का साइन है ठीक है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, प्लस का 4000। पर अभी भी काफी बच्चे जो है सी पे टिक कर रहे हैं, कोई डी पे टिक कर रहे हैं, तो बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डाउट नहीं है तो आपके आंसर्स भी ठीक आने चाहिए, है ना। अगर डाउट है तो आप जरूर मुझसे पूछिए। चलिए तो इसका हम आंसर देखते हैं आगे क्या होगा। इसका सही आंसर है 4000, कैसा, पॉजिटिव का ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर। बेटा जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। मैम हम 4 बार लेफ्ट कर रख चुके हैं, अब भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो बेटा आपको ये कैसे सुनाई दिया कि लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है चलिए आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। मैम हमारा गलती से सी पर क्लिक वोट हो गया था, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, पर आगे से आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आप पोल सेक्शन में आंसर देते हो ना उसका भी एक रिकॉर्ड बन के आता है ठीक है। उसका भी साथ में आपका नाम आता है कि इस नाम के बच्चे ने जो है इस ऑप्शन पर जो है वो टिक किया था, मतलब क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आता है और आपके नाम आते हैं और सही ऑप्शन आता है, और आपने जिसको टिक किया था वो वाला ऑप्शन भी वहां आता है ठीक है। तो उस तरह से जो है आपको देखा जाता है कि किस बच्चे को कितना समझ आया, वहां से पूरा एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो इसलिए बच्चों इसलिए आपको कहा जाता है कि पूरी कोशिश कीजिए कि पोल सेक्शन में आप गलत ना करें ठीक है। जो आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट सेक्शन में वहां पर गलती हो जाए तो बेटा कोई बात नहीं, पर पोल सेक्शन में आपने मैम हम लोग आउट होकर दोबारा आ गए फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ये आपने अच्छे से करना है। सैनी सैनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आप बार बार ऐसा ना करें, ठीक है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप एक ही इसका सोल्यूशन है बेटा मेरे पास कि क्लास को लेफ्ट करके रिज्वाइन कीजिए, इसके अलावा मेरे पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आई एम सो सॉरी, ठीक है बेटा। चलिए तो बच्चों आपको अभी एक और क्वेश्चन जो है वो अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा, तो आपका जो है चैट सेक्शन अभी ऑफ कर दिया, ठीक है बेटा। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी, पहले जो है आप अगला क्वेश्चन कर लें, पहले हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको जो है पोल सेक्शन नजर आएगा, ठीक है बच्चा। यहाँ पर देखिए, जेनी रीड्स 324 पेजेस, जेनी नाम की एक लड़की है, उसने 324 पेजेस जो है फ्रॉम हर बुक ऑन सैटरडे एंड 259 पेजेस ऑन संडे, ठीक है। एक लड़की है जेनी, उसने क्या किया, 324 पेजेस पढ़े उसने अपनी बुक के किस दिन, सैटरडे को, और 259 पेजेस उसने पढ़े किस दिन, संडे को, ठीक है। देयर आर 876 पेजेस इन द बुक, बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो इतने हैं, तो आप हमें बताइए कि हाउ मैनी मोर पेजेस शी हैड टू रीड, अभी उसे और जो है कितने पेजेस और पढ़ने हैं, ठीक है। इतने उसने एक पहले दिन पढ़े थे, इतने उसने जो है दूसरे दिन पढ़े थे, अब आप हमें बताइए कि इतने जो है वो टोटल पेजेस हैं, तो आप हमें बताइए कि और अभी उसे कितने पेजेस पढ़ने हैं। तो आप सभी क्या कीजिए, इसे अपनी कॉपी पे अच्छे से सॉल्व कीजिए, अभी आपको जो है 10 सेकंड बाद पोल सेक्शन नजर आएगा, ठीक है। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से पहले समझ ले, मैंने आपको समझा दिया है वैसे तो, है ना, अच्छे से आप सोचिए कि क्या होगा, कैसे करना है, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना अपना आंसर देंगे, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 18 स्टूडेंट्स के जो मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 19 स्टूडेंट्स के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी जो है गलत आंसर दे रहे हैं, तो बच्चों आंसर आप बिल्कुल सही दीजिएगा, आप जो है आराम से साइन देख लीजिए, ठीक है, अपना आंसर निकालिए, उसका साइन देखिए, फिर ऑप्शन देखिए, उसके बाद ही आप जो है अपना आंसर दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक पर सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही अपना आंसर देंगे। चलिए 10 सेकंड का हम और वेट कर लेते हैं। बेटा माइक ऑफ रखिए, चलिए 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं, फिर आपका पोल सेक्शन जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7 जी मैम, आई कांट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, तो अब मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको कहा गया है कि बेटा माइक ऑफ कर दीजिए, एक जेनी नाम की लड़की है, उसने क्या किया, एक बुक के 324 पेजेस जो है उसने फर्स्ट डे पे पढ़े, सैटरडे पे पढ़े, ठीक है, कितने पढ़े, 324। संडे को उसने जो है कितने पेजेस पढ़े बच्चों, तो संडे को उसने पढ़े 259। अगर बुक में टोटल पेजेस जो है वो 876 टोटल पेजेस हैं, तो आप ये बताइए कि अभी उसको और कितने पेजेस रीड करने हैं, ये आपने निकालना है, ठीक है। ओके, तो चलिए आप इसे सॉल्व कीजिए फटाफट से, प्लीज गिव मी 5 मिनट्स। ओके बेटा, 5 मिनट्स आपको हम देते हैं, 5 मिनट्स तो बहुत है ना आपका, इससे जल्दी, इससे पहले ही आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, है ना। आपका जैसे सॉल्व होता है तो आप जरूर माइक ऑन करके बता दीजिएगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए मैं बता दूं कि बहुत से बच्चों ने क्या किया है, सी और डी में कंफ्यूज हो गए हैं, है ना, तो ऐसा कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए था वैसे तो।
पर चलिए कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, हम इसे जो है अच्छे से समझेंगे और सभी बच्चे जो है इसे अच्छे से समझेंगे मेरे साथ साथ। बेटा माइक ऑफ रखिए, अगर आपको कुछ कहना है तो ये आप माइक ऑन कीजिए। युवराज माइक बार बार ऑन हो रहा है, युवराज माइक ऑफ रखिए। ठीक है बेटा डन है, तो हम 10 सेकेंड और वेट करते हैं फिर हम जो है इसको एंड कर देंगे। ठीक है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आपका पोल जो है वो एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है, आप अपना आंसर जो है चैट सेक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बुक में जो है वो टोटल पेजेस थे कितने। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया कि टोटल मेरे पास कितने पेजेस हैं, टोटल मेरे पास पेजेस हैं 876। ठीक है अब जो पेजेस जो है जैनी पढ़ती गई वो तो इसमें से माइनस होते गए ना। तो चलिए देखते हैं सैटरडे को उसने कितने पेजेस पढ़े। सैटरडे को उसने पढ़े थे 324 पेजेस और संडे को उसने कितने पेजेस पढ़े थे, तो संडे को जो है उसने रीड किए थे 259 पेजेस। ठीक है तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास हमें ये तो दिया है कि टोटल पेजेस हैं कितने बुक में, पर हमें ये नहीं पता कि उसने टोटल कितने रीड कर लिए। तो टोटल रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों डेज के जो हमारे रीड किए गए पेजेस हैं उनको क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों जिनको मेरी आवाज आ रही है वो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है बेटा जिनको मेरी आवाज आ रही है वेरी गुड, जिनको आवाज नहीं आ रही है बेटा आप प्लीज आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ठीक है तो आपका इशू जो है शायद थोड़ा रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि मेरी तरफ से इशू नहीं है, शायद आपकी तरफ से कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ऐसी जगह बैठे जहां पर नेटवर्क फुल हो और क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से रिज्वाइन कर ले। चलिए तो हम क्या करेंगे बच्चों इनको ऐड कर देंगे कि 2 डेज में उसने जो है कितने पेजेस रीड आउट कर लिए। तो 2 डेज में जो है उसने टोटल कितने पेज पढ़ लिए, तो वो है 324 प्लस 259। ठीक है 9 + 4 किया तो कितना आता है 13 का 3 कैरी चला गया 1 567 और 5678 और 3 + 2 5। ठीक है तो ये क्या है, ये हैं जो उसने 2 डेज में अपने पेजेस पढ़े। तो आपका भी ये आंसर आया है क्या, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है 583 आया। ठीक है तो टोटल पेजेस, ठीक है टोटल पेजेस, ठीक है बेटा माइक ऑफ रखिए, रेड बाय जेनी, टोटल पेजेस जो जेनी ने जो है वो रीड आउट कर लिए वो कितने थे 583। पर क्या हमें ये निकालना था, नहीं हमें तो ये निकालना है कि अभी उसने और कितने पेजेस पढ़ने हैं। तो टोटल पेजेस उसके बुक में कितने थे, टोटल पेजेस उसके बुक में थे 876। कितने थे बच्चों 876 टोटल थे, उसमें से उसने जो है 583 पढ़ लिए हैं, तो मतलब हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे क्योंकि ये पढ़ चुकी है। कितने बचे हैं वो हम निकालेंगे, 6 में से 3 को माइनस कीजिए तो 3 ही आएगा, अब 7 में से 8 तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे हम जो है कैरी ले लेंगे, ये बन गया 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो कितना आया यहाँ पर 9 और यहाँ पर बच गया कट के 7, 7 में से 5 माइनस करें तो कितना आया 2, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 293। ठीक है हमने क्या किया था, हमने 876 में से 583 को माइनस कर दिया था तो हमारे पास आया 293। अब इस 293 का साइन हम डिसाइड करेंगे तो क्या साइन आएगा बच्चों, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 876 बड़ा है और उसका साइन क्या है, प्लस का साइन है, तो आंसर में भी प्लस का साइन आएगा। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी माइक ऑन है। सेनी सेनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा अपना माइक ऑफ रख लीजिए, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, मुझे नहीं पता गीक कैसे हो रहा है। ठीक है बेटा माइक अपना ऑफ रखिए। तो हमारे पास जो है इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है, अगर आप इसको पॉजिटिव ऐसे साइन के साथ लिखो या इसको आप विदाउट साइन लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, है ना, ये जो है पॉजिटिव ही माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है,
293, तो काफी बच्चों ने जो है माइनस 293 पे जो है वो अपना आंसर दिया था, तो बच्चों माइनस नहीं आएगा क्योंकि ग्रेटर कौन है, 876 ग्रेटर है, उसका साइन पॉजिटिव है। तो अगर बच्चों आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, अगर आपको समझ आ गया कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यों है तो बहुत अच्छा, आप वाई टाइप कर दो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अभी के अभी जो है मुझसे पूछिए, ठीक है? ठीक है मैम, ये साइन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जब हमने देखिए पहली क्लास में कुछ स्टेप्स पढ़े थे, है ना, पढ़े थे ना, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था उसको हम चले देखते हैं एक बार। जब भी जो है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन होंगे, दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं, कैसे हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा करते हैं माइनस, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और अगर साइन हमारे सेम होते हैं, सेम मतलब कैसे, या तो माइनस माइनस हो या तो प्लस प्लस हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, तो इतना ही होता है साइन में, तो हमें कंफ्यूज बहुत बार हो जाते हैं, पर हमने कोशिश करनी है कि हम साइन में कंफ्यूज ना हो, हम बस एक चीज अपने दिमाग में बिठा के रखें कि अगर साइन डिफरेंट हो तो हमेशा माइनस का यूज करेंगे, अगर साइन सेम है तो हमेशा प्लस के साइन का यूज करेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है, और अगर साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करो, सेम है तो ऐड करो, ठीक है भावना, इतना ही जो है इसमें होता है, दो ही चीजें होती है कि अगर अलग अलग है तो उनको माइनस करो, सेम सेम है तो उनको ऐड करो। बाकी अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप जरूर क्लास के बाद रुकिएगा, क्योंकि जो है हमने स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री करके इसे अच्छे से समझा है, वो हम जो है पिछली दो क्लासेस में लगातार समझते आए हुए हैं, है ना, तो आप क्लास के बाद जरूर रुकिएगा और मैं आपको जो है वो दोबारा से अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों आपके लिए जो है अगला आपका टॉपिक शुरू होता है वो है डिवीजन, पर उसके लिए मुझे जानना है कि क्या आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अभी तक याद है। ठीक है बेटा, भावना आप जरूर क्लास के बाद रुकिएगा, उसके बाद मैं आपको जरूर अच्छे से समझाऊंगी उस क्वेश्चन को, ठीक है, अभी के लिए हम जो है थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, आप जरूर क्लास के बाद रुकिएगा। मैम यस याद है। ठीक है बेटा, याद है तो चलिए आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए। यस मैम याद है। ओके मैम, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। जिन बच्चों को मेरी आवाज ठीक आ रही है वो एक बार फिर से वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि उसी से मुझे कंफर्मेशन मिलती है कि कितने बच्चों को आवाज में इशू है। ठीक है, ठीक है, तो बेटा जिनको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है या कट कट के आ रही है या रुक रुक के आ रही है, वो प्लीज क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से जो है वो ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे इसे अब सॉल्व करके बताइए। मल्टीप्लाई करना है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, करना इनको मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कीजिए, साइन बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों का ठीक है, कुछ बच्चों का गलत भी है ना। चलिए तो देखते हैं एक बार फिर से, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन के स्टेप होते थे वो बिल्कुल सिंपल होते थे, क्या होते थे, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई द नंबर्स और साइन को भूल जाइए, साइन को भूल गए डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, और अब दोनों के साइन कैसे हैं, दोनों के साइन अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, और जब भी साइन डिफरेंट होते हैं तो आंसर में हमेशा नेगेटिव का साइन आता है, ये हमारे मल्टीप्लिकेशन का रूल है। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मत जोड़िएगा, वो अलग है, ये अलग है। मल्टीप्लाई का रूल सिंपल सा कहता है कि साइन को भूल जाओ, डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, कर दिया, फिर देखो कि साइन सेम है या डिफरेंट, अगर साइन डिफरेंट है तो माइनस लगा लो, सेम है तो प्लस लगा लो। ठीक है बच्चों, तो ये सेम रूल जो है आपका डिवीजन में भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना डिवीजन शुरू करते हैं, इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। तो भाई ये बच्चों आपका यहाँ पर कि आपको तीन तरह के केसेस देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे, डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, कैसे इंटीजर जो दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरा है डिवीजन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, कैसे इंटीजर जो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। तीसरा है जिसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको केसेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे जो है वो डिवाइड किया जाता है। सिंपल सा है, इसको आप मुझे डिवाइड करके बताइए और मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, तो है ना, आप क्या कीजिए, 10 को डिवाइड कीजिए 5 से और अपना आंसर बताइए। वेरी गुड,
सभी बच्चे आंसर देंगे, वेरी गुड, इसका आंसर क्या है? टू, ठीक है। लेकिन किसी का माइक फिर ऑन हो गया है, सैनी, सैनी जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, अगर हमारे पास ऐसा कोई केस हो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, तो चलिए इसे भी हम करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर हमें कहा गया है माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 5, ठीक है। तो बच्चों इसका स्टेप नंबर वन क्या है? इसका स्टेप नंबर वन है डिवाइड द नंबर्स, ठीक है, डिवाइड द नंबर्स। इन नंबर्स को क्या करो बच्चों? डिवाइड कर लो, ठीक है, साइन को भूल जाओ, साइन को भूल जाओ और इनको डिवाइड कर लो। चलिए करते हैं डिवाइड। ये था हमारा माइनस का 10, ये था हमारा माइनस का 5। इसे हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 10 अपॉन माइनस 5, ठीक है। अगर आपने इसे ऐसे नहीं भी लिखना तो आप क्या कीजिए, साइन को अभी के लिए आप भूल जाइए, आप भूल जाइए कि आपका 10 नेगेटिव है, आपका 5 नेगेटिव है। आप सीधे क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। कितना आता है? 5 टू जा 10, रिमाइंडर आ गया 0 और क्वेश्चन कितना है हमारा? 2, ठीक है। लेकिन क्या ये आंसर अभी तक हमारा जो है वो करेक्ट है या फिर कंप्लीट है? नहीं, ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें जो है पता करना है कि हमारे आंसर में साइन कौन सा आएगा। तो उसका पता करने के लिए हम कहाँ जाते हैं बच्चों? अपने स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। क्या करते हैं? इफ, ठीक है, इफ द साइंस आर, लिखते जाइए साथ साथ में, इफ द साइंस आर सेम। साइन कैसे हैं बच्चों? सेम है, तो आंसर में हमेशा कौन सा साइन आएगा? आंसर में हमेशा साइन आएगा हमारा प्लस का, ठीक है। और इफ द साइंस आर डिफरेंट, डिफरेंट होंगे तो आंसर में हमेशा कौन सा साइन आएगा बच्चों? नेगेटिव का। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों कैसे हैं? दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं मतलब दोनों सेम हैं, सेम है तो आंसर में कौन सा साइन आएगा बच्चों? प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो मेरा जो कंप्लीट आंसर है वो है प्लस 2, ठीक है। तो देखिए आप इन स्टेप्स को अच्छे से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, नंबर्स को डिवाइड कर दो, साइन को अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, नंबर डिवाइड कर दो, साइन भूल जाओ, डिवाइड करके जो आंसर आया उसको लिख दो, लिख दिया, फिर जो साइन आप भूले थे उन पे एक बार नजर दौड़ाओ, देखो कि वो सेम है या डिफरेंट है, सेम होंगे तो प्लस लगा दो, डिफरेंट होंगे तो माइनस लगा दो, सिंपल, ठीक है। अगर आपको यहां तक समझ आ गया बच्चों तो वाई टाइप कर दो, अगर कोई भी डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हमने पहले भी रूल पढ़े हैं, है ना, बस हम यही इसमें डिफरेंस था कि यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे थे, वहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, बाकी तो सब सेम है। तो इसका आंसर क्या आया? डिवाइड किया तो आया 2 और साइन क्या आया? प्लस। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे सभी बच्चे, थर्ड पार्ट आप सभी बच्चे मुझे करके दिखाइए, ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इनको डिवाइड कर देते हैं, 10 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। देखिए आपने एक बात के यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डिवाइड से पहले होता है उसको हम जो है डिवाइड करते हैं, मतलब अंदर लिखते हैं, ठीक है, और जो डिवाइड के साइन के बाद होता है वो बाहर आता है, बाद में है तो बाहर आएगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि कभी कभी देखो हम क्लास में जाते हैं, क्लास में लेट हो जाते हैं, बाद में क्लास में आए तो हमें कहाँ खड़ा कर देते हैं? बाहर, है ना। अब तो नहीं करते, अब तो ऐसा रूल नहीं है, पर हमारे टाइम में कभी कभी ऐसा होता था जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हो कि 5 बाद में आया तो भाई इसे क्लास से बाहर रहना पड़ेगा, 10 पहले आया है तो उसे अंदर लिख दो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, बाद में आया उसे बाहर, जो पहले आया वो अंदर। तो चलिए इसे डिवाइड कीजिए, 5 टू जा 10 होता है, माइनस किया तो क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर आ गया आंसर 2। आंसर अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि क्या करना है हमने, अभी साइन जो है वो डिसाइड करना है। तो साइन कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट है तो कौन सा साइन आएगा हमेशा? माइनस का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? माइनस 2, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। 5 क्या है? डिवाइजर या डिविजर जो भी बोलते हैं, और जो 10 है वो है हमारा डिविडेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए सभी बच्चे।
एक बात बच्चों आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में हम जो है बड़ा इंटीजर का साइन नहीं देखते, हम नहीं देखते कि बड़ी नंबर के पास कौन सा साइन है, वो हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही देखते हैं, ठीक है। इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आंसर का साइन होगा बड़े नंबर के बराबर, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में दो ही केसेस होंगे, साइन सेम है तो प्लस लिख दो, साइन डिफरेंट है तो माइनस लिख दो, ठीक है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए 10 था, 10 को हमने फिर से यहाँ पर डिवाइड किया 5 से, तो वही आंसर आएगा दोबारा से, कितना 2, 0, तो 2 हमारे पास आंसर आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया 2। अब साइन कौन सा आएगा उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, दोनों डिफरेंट है, तो आंसर में आएगा माइनस का साइन, ठीक है बच्चों। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, डिवाइड करो सेम साइन है प्लस लिख दो, डिफरेंट साइन है माइनस लिख दो, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो आप फटाफट से पूछिए। वेरी गुड, तो अभी हम जो है इसको समझ लेते हैं, फिर हम क्लास को एंड कर लेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा ये जो लिखा है इसको हम देख लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव इंटीजर्स वी गेट वन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आप दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हो तो आपको आंसर में पॉजिटिव साइन ही देखने को जो है वो मिलेगा, अगर आप दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हो तो भी आपको आंसर में पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही सेम हैं, सेम है तो आंसर में प्लस आएगा, दोनों ही नेगेटिव हैं, दोबारा दोनों ही सेम हैं, तो भी आंसर में प्लस ही आएगा, ठीक है। और अगर हम डिवाइड करें पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के साथ, जैसे ये तो ये कैसे हैं, दोनों ही डिफरेंट है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, दोनों ही डिफरेंट है तो डिफरेंट होते हैं, तो हमेशा कैसा इंटीजर हमें मिलता है, कैसा आंसर हमें मिलता है, नेगेटिव आंसर हमें मिलता है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस केस में क्या होगा और क्यों होगा, वो मैंने आपको बता दिया। सेम सेम है दोनों तो प्लस लगा दो, अलग अलग है दोनों तो माइनस लगा दो, ठीक है। चलिए यहां तक समझ आ गया तो आप सभी वाई टाइप कर दीजिए, आज हम जो है इसको यहीं तक करेंगे, आगे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं ये जो है हम कल अच्छे से इनको करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी जो है जिन बच्चों को समझ आ गया है वो वाई टाइप करके क्लास को लेफ्ट कर दीजिए, जिन बच्चों का डाउट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन में वो प्लीज क्लास में रुके, और जो है मैं अभी आपको शुरू से बताऊंगी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो आप सभी रुक जाएं और अपना अपना डाउट क्लियर करके ही जाएं, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चे क्या करेंगे, वाई टाइप करके क्लास को लेफ्ट कर देंगे।